आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और इसका क्या उद्देश्य था? राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे। उन्होंने 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना की और 1909 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने इसकी मान्यता दी। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के बारे में कहा कि मनुष्य बेवजह धर्म के पीछे दौड़ता है। अगर मनुष्य को यह समझ में आए कि धर्म क्या है तो संपूर्ण भारत का विकास हो पाएगा। अगर कोई भारतीय व्यक्ति भूखा है तो धर्म की महत्व नहीं है। उस व्यक्ति को जब तक अन्न की प्राप्ति नहीं होगी तब तक धर्म नहीं कहला सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा उस भारती के बारे में जो भूखा है। हम निर्बल क्यों हैं? हमें मौत क्यों आती है? क्योंकि हम निर्बल हैं। हम स्वर्ग को प्राप्त गीता के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। हमें जो गरीब व्यक्ति हैं जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को गरीबों की सेवा करना चाहिए, तभी हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। हम निर्बल व्यक्तियों को जब तक सहायता नहीं करेंगे तब तक धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा कि नौजवानों उठो, आलस्य छोड़ो और अपने कर्म करो, और जब तक तुम आलस्य नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो, और जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। शुरू में परेशानी होगी लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुम उस सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकोगे। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वामी जी के बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वाभाविक है कि एक उम्र में आलस्य होती है। आलस्य को
जब तक हम त्यागेंगे नहीं, जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब वह शहर से दूर हो, और उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा निहित नहीं होता है, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इट्सेल्फ ऑलरेडी इन मैन, अर्थात कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा निहित नहीं होता है, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। किसी भी कक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हमें डर लगता है कि अगर इसका जवाब हम देंगे तो गलत होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें उसका जवाब देना होगा। और इस तरह से स्वामी जी एक महान समाज सुधारक हुआ करते थे, और उन्होंने इसकी स्थापना की, उन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। धन्यवाद। अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनके बातों को ध्यान में रखकर कोई कार्य करें, निर्बल को सहायता करें, मनुष्य को सहायता करें, तभी पूजा पाठ सफल होगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।